भगवत गीता के ऊपर। मैं चाहता हूं इस बार मोक्षदा एकादशी पे, यानी कि गीता जयंती 5200 साल पहले आज ही के दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण ने यह प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल अर्जुन को दिया था। यह एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है जिसमें आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका शारीरिक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन, व्यापारिक जीवन, भौतिक, बौद्धिक, मानसिक, सात्विक, हर प्रकार के जीवन के जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कृष्ण ने अर्जुन को इन 700 श्लोकों में दे दिए हैं। मैं चाहता हूं इस गीता जयंती पे आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप देशवासी मेरे साथ हैं, गीता जयंती पे कल्चर क्रिएट करें गीता गिफ्ट करने का। लोग शराब की बोतल गिफ्ट करते हैं, मिठाई का डब्बा गिफ्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट गिफ्ट करते हैं, ये आप जीवा से खाओगे मलमूत्र के द्वार से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनकी लाइफ कुछ नहीं है। लोग नए साल पे कैलेंडर गिफ्ट करते हैं, डायरी गिफ्ट करते हैं, एक साल के बाद लोग उसको कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, उसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने किसी को भगवत गीता गिफ्ट करी ना, याद रखिए वो जिंदगी भर रखेगा, कैलेंडर डायरी की तरह कभी कूड़े पे नहीं फेंकेगा। इस साल नए साल पे 31 दिसंबर पे आप गीता का ये पहला पेज खोले और अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग कराएं। देखिए जैसा स्क्रीन प्रिंटिंग को रखा है ना, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम, ऐसा स्क्रीन प्रिंटिंग करा के लोगों को अपनी तरफ से भगवत गीता गिफ्ट करें। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आदमी जिंदगी भर रखेगा। लोग कहते हैं ना कोई गीता पढ़ता नहीं है जी, बेअदबी होती है, इसकी डिसरिस्पेक्ट होती है। कोई गीता की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप आसमान पे थूकोगे ना तो थूक आसमान पे नहीं जाती, आपके मुंह पे गिरती है। भगवत गीता और आसमान ये ऐसी चीजें, इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है कुछ लोग मुझसे नाराज होने वाले हैं कि नहीं है, वो कहते हैं कि विवेक बिंद्रा हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा है। ध्यान दीजिए, 700 श्लोक में अगर एक जगह भी आपने मुझे दिखा दिया गीता में कृष्ण ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चर्चा करी है, मैं मान जाऊंगा। गीता में कृष्ण ने जो जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है वो ऑलरेडी कृष्ण बता चुके हैं 5000 साल पहले। संशय आत्मा विनश्यति, बिलीफ सिस्टम के बारे में कृष्ण कहते हैं जिसका संशय है ना, जिसका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, विनश्यति, उसका विनाश होना निश्चित है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम, जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तू वैसा वैसा बनता जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, इनफैक्ट डॉक्टर स्टीफन कोवी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पूरी दुनिया पब्लिक में बोलते रहे, मैंने 7 हैबिट्स भगवत गीता से ली हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों की समस्या क्या है, वो 2 मिलियन किताबें स्टीफन कोवी की पढ़ ली लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, विदेशियों की किताब पढ़ेंगे। एक बार मेरे कहने पर खुद भी पढ़िए और लोगों को गीता गिफ्ट करने का कल्चर क्रिएट करिए। इस साल डायरी कैलेंडर नहीं देना है, इस साल लोगों को भगवत गीता देनी है। आप तो सफल होने में बहुत बिजी हुए पड़े हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको बड़ी काम आएगी। एक दफा कृष्ण की दुर्योधन और अर्जुन से मुलाकात हुई। कृष्ण ने दुर्योधन को पहले ऑप्शन दे दिया, भाई दुर्योधन या तो तुम मेरी नारायणी सेना ले लो, अतिरथी महारथी के साथ 10 लाख सोल्जर वाली नारायणी सेना ले लो, या मुझको ले लो, ऑप्शन पहले तुम्हारे पास है। दुर्योधन ने पूछा, भगवान आप मेरी तरफ से लड़ाई करेंगे? कृष्ण बोले, लड़ूंगा मैं बिल्कुल नहीं। आप नारायणी सेना ले सकते हो 10 लाख सोल्जर्स की, वो लड़ेगी आपकी तरफ से। दुर्योधन बोले, नहीं नहीं ठीक है, आप पांडव की तरफ ही रहो, मेरे को तो पूरी सेना दे दो, पूरी सेना दे दो। कृष्ण ने कहा चलो ठीक है। अर्जुन से पूछा, अर्जुन बोले, भगवान आप मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति के पास ताकत है, पैसा है, सेना है, लेकिन कृष्ण का ये ज्ञान नहीं है, उसका ताकत, सेना, पैसा सब बर्बाद हो सकता है। और अर्जुन जिसके पास ना ताकत थी, ना पैसा था, ना सेना थी, लेकिन उसके पास कृष्ण का ज्ञान था, वो सब उसके पास लौट के फिर वापस आ गया। ध्यान दीजिए, ताकत, पैसा, सेना, ये सब भगवद्गीता को के ज्ञान को जीवन में उतारते ही अपने आप आएगा। अर्जुन बनने का प्रयास करिए, दुर्योधन ना बने। ध्यान दीजिए, इस भगवत गीता को आपके घर में शादी हो रही है, शादी के कार्ड के साथ बांटिए, मिठाई के डब्बे के साथ गीता जरूर दीजिए, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। इसको आप अपने कॉर्पोरेट में, अपने ऑफिस में, अपने एम्प्लॉइज को, अपने फैक्ट्री वर्कर्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिसको हो सके भगवत गीता गिफ्ट करिए, उनके मन में आपके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। सोशली रिस्पॉन्सिबल गिफ्ट है ये। लोग पूछते हैं भगवत गीता पढ़ने का फायदा क्या है, फायदा होगा तो पढ़ेंगे ना। ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपको जान की खुशी होगी। आज हमारे को थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया का अवार्ड वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन ने दिया, आज हमें वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का अवार्ड दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया का अवार्ड दिया, प्राइस वाटर हाउस कूपर ने रिव्यू करके हमें रिकॉग्नाइज किया इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स।
के अवार्ड के साथ आज हमारा मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बन गया इस पृथ्वी पे। जो भी कुछ है ये सब मेरे कारण नहीं है, मैं तो चोर हूं, मैंने तो भगवद गीता का कंटेंट चोरी किया और आप सबको दिया, आपको लाभ हो रहा है। अगर मुझको आपको लाभ हो रहा है तो सब गीता के कारण ही तो है। हर रोज सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ध्यान दीजिए, इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, इसका क्रेडिट मैं केवल भगवद गीता को देना चाहता हूं। इस साल गीता जयंती पे इस मैसेज को पूरे देश में फैला दो, पूरे देश में फैला दो। ये कोई सेक्युलर कम्युनल का एजेंडा नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल का एजेंडा है। देशवासियों को बताओ कि भगवद गीता इस बार बांटेंगे, खाना कमाना चलता रहेगा। यही है वो भगवद गीता यथारूप जिससे मेरी जिंदगी बदली। यकीन मानिए आपकी भी जिंदगी बदलेगी। 100-100 कॉपी उठाइए, खरीदिए मार्केट से 100-100 भगवद गीता और बांटिए लोगों को, उनका जीवन सफल बनाने में मेरी मदद करिए। वैसे भी मैं जानता हूं मेरे इस वीडियो को बहुत लोग डिसलाइक करने वाले हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, आपको लगता है ये सेक्युलर कम्युनल का एजेंडा नहीं, भगवद गीता सारे देशवासियों के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए, उत्साह बढ़ा के इसको इतना लाइक दे दीजिए कि ये वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाए और सबको भगवद गीता का ये मैसेज पहुंच सके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप भी करिए, बेल आइकॉन दबाइए, सबसे कराइए ऐसे वीडियो देखने के लिए। आपका फिर से धन्यवाद।